दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फॉर्मरी। आज का जो टॉपिक था, मेरे से काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर जो सिंगापुर में स्टूडेंट वीज़ा पर हैं उसमें पार्ट टाइम जॉब में कितना पैसा बनता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या स्कोप है। सो इस वीडियो को मैं आप पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले मुझे ये बताना कि आपका स्टडी वीज़ा का परमिट जो पर्पज़ है जो वो किस हिसाब से है। ये जो वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटैलिटी का या बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ रिटेल से आप जो लाइक पैकिंग इंडस्ट्री है, कुछ ऐसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स हैं या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स हैं या रिटेल मैनेजमेंट के कोर्स हैं वो करने आ रहे हैं, जिसमें 6+6 मंथ की स्टडी होती है और 6 मंथ की जो इनकी आपकी ओजीटी होती है। तो उसमें मैं बताता हूँ कि इस 1 साल के ड्यूरेशन में आप कितना कमा सकते हो पार्ट टाइम के, क्योंकि आप स्टडी के टाइम पर भी वीकली में क्या होता है सिंगापुर में मोस्टली 3 या 4 डेज क्लासेस होती हैं, 4 या 5 घंटे की क्लासेस है, तो आपके पास फ्री टाइम होता है, आप काम कर सकते हैं। लीगली जो मैं आप बात कर रहा हूँ कि जो 20 घंटे, जैसे मैंने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि जैसे मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, वर्क परमिट पर हैं, एस पास पर हैं, IT इंडस्ट्री से हैं। तो जैसे ही जैसे जैसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से, थोड़ी फ्रेंडशिप बनाता हूँ, उससे एक्सपीरियंस लेके आपके सामने मैं ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है कोशिश करता हूँ। तो पहले तो आप मुझे ये बताना कि आपका पर्पज़ क्या है स्टडी करने का सिंगापुर में, कि किस हिसाब से आपको मूव होना है या सिंगापुर में लॉन्ग टर्म्स के काम करने के लिए आपको सिंगापुर में स्टडी करनी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि सिंगापुर की स्टडी से चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा हो, 2 साल का डिप्लोमा हो, आप एस पास कैसे ले सकते हैं, लेकिन उस एस पास लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा। अगर आप चाहते हो कि वो कैसे लिया जाता है, आप उसके ऊपर अलग से वीडियो बना कि आप पढ़ाई के लिए इधर आ रहे हो लेकिन आपको एस पास की जॉब चाहिए, तो क्या क्या आप कर सकते हो एडिशनल। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा के बाद आपको एस पास मिल जाएगा, लेकिन आप डिमांड जो सिंगापुर पे है, जो मल्टीपर्पज टास्क जिसे बोलते हैं कि मिस एक बंदा काफ़ी सारे काम कर सकता है, उसको एम्प्लॉयर हायर करता है, तो आप ऐसी स्किल्स कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप कितना कमा सकते हो, क्या आवरली सैलरी होती है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में मोस्टली आवरली सैलरी आपको मिलती है और OJT में आपको फिक्स मिलती है। सो आप पढ़ाई के दौरान पे जो आवरली सैलरी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और कितना ज़्यादा कर, देखो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इसके मुकाबले नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट वीज़ा पे मैंने देखा है काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टूडेंट पे $20-25 मिल रहे हैं वहाँ, लेकिन ऐसा सिंगापुर में इतना नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया की स्ट्रांग इकोनॉमी है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि US में स्टूडेंट हैं तो वो इतना कमा रहे हैं कि आप कनाडा में, क्योंकि हर कंट्री का एक अलग सिस्टम होता है, अलग वीज़ा सिस्टम होता है, अर्निंग सैलरी सिस्टम होता है, जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनका हिसाब है कि आपको जो सैलरी मिलेगी, मैं पूरा डिस्कस करूंगा कौन कौन से काम मिलेंगे। अब देखो क्या OJT में आपको 1500 से आपको 1800 भी मिल सकती है, 1300 भी मिलती है, 1400 भी मिलती है, देखते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी में आपको OJT मिलती है, होटल्स कौन सा है आपके पास, और अगर वेयर हाउस वगैरह में भी आपकी अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हो, वेयर हाउस वगैरह में मिल रही है, आप अनलोडिंग अपलोडिंग का कितना सैलरी मिल रही है। OJT में 1300 से 1800 के बीच में आपको मिल जाता है आराम से, लेकिन स्टडी वीजा में मैं बात कर रहा हूँ कि आप आवरली कितना कमा सकते हो। अगर आप देखो रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर्स या कुछ सर्वर के तौर पर काम कर रहे हो या फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हो, कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि जय आपको थोड़ा हार्ड वर्क है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी जो पर आवर के हिसाब से $8, $9 और मैक्सिमम आपकी $10 तक जाती है स्टूडेंट वीजा पे। मैंने देखा जो यहाँ पर स्टूडेंट काम करते हैं OJT में, नहीं जो पढ़ाई के दौरान आपको पार्ट टाइम की कहीं आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि 4 दिन आप कॉलेज जा रहे हो, 3 दिन आप कहीं जाके पर आवर बेसिस काम कर रहे हो, कि अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में हो तो आपको $8.5 $9 के पास मिल जाते हैं। अनलोडिंग और लोडिंग में भी जॉब्स होती हैं कि जैसे जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं लाइक बिग फुट है, कैपल लॉजिस्टिक्स है, कुछ ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, उसमें भी आपको $9 $8.5 $9 पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन टाइमिंग अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे अभी कोई जो शिप वगैरह है वहां से अगर कहीं लॉज, सिंगापुर एक स्मॉल कंट्री है जस्ट जस्ट शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है यहाँ पर, अगर शिप जब आया, अगर आपको लोडिंग अनलोडिंग की जॉब मिल रही है तो आपको $10-11 आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में हो तो आपको $8-8.5 मिलेंगे, अगर आप रिटेल शॉप में हो तो आपको $60 $60.5 पर आवर के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन टाइमिंग ऐसा नहीं है कि जो उन
अब ये आपको जब भी बुलाएंगे जब उनके पास पीक आवर्स होंगे या उनके पास मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ना बताना था। और जो OJT होती है वो आपको 1300 से 1800 आपको मिल जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका पर्पस ऑफ स्टडी, आपकी एज क्या है। मैं आपको कुछ अगली वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि यार आप कौन सी कंट्री चुने, आपका पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, आपका पर्पस ऑफ फ्यूचर क्या है। मीन्स कहने का मतलब आप किस उद्देश्य से बाहर जाना चाहते हैं। हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है। मैंने काफ़ी नोटिस करा है लोगों में, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ने के मतलब से ही आते हैं कि पढ़ाई के बेसिस पे ही रहना है और अपने होम कंट्री में वापस करना है। कुछ लोग काम के पर्पज से आते हैं कि उनको काम चाहिए, पढ़ाई तो एक जस्ट जरिया है कि उनको कंट्री में आने का। या तो आप मुझे पर्पज बताना कि किस हिसाब से आना है और आप अपनी क्वालिफिकेशन में मुझे बताना है तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि अगले आने वाली वीडियोस में कि आपका एजुकेशन के हिसाब से आप किस कंट्री में आराम से चूज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपका एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से देश में करीब 150 से ज़्यादा कंट्री है जहाँ इंडियंस जाते हैं। और हर कंट्री अच्छी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सिंगापुर अच्छा है, कनाडा, हर कंट्री अच्छी है। वो आपके ऊपर कि आप कैसे सेटलमेंट अपनी बैठाते हैं जहां भी आप काम करो। देखो मैंने ऐसा भी देखा जो लोग कनाडा को भी बुरा बताते हैं और कुछ लोग ऐसा है कि कनाडा को भी अच्छा बताते हैं। इसी तरह सिंगापुर को कुछ लोग बहुत प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सिंगापुर को प्रेफर नहीं करते। तो अपनी सोच, अपना पर्पज ऑफ वर्क, जो भी अपना उद्देश्य है क्या है उद्देश्य। अब जैसे मैं सिंगापुर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी तरह से काम करना चाहता हूँ क्योंकि सिंगापुर एक इंडिया से काफ़ी नियर है। 3-4 आवर्स में, घंटे में आप अपने घर में जा सकते हो आराम से, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आपको कैसी लगी मुझे बताना, और आने वाली वीडियो में ये बताऊंगी अगर आप पढ़ाई के बेसिस पे आ रहे हो आपको एस पास किस तरह से आपको मिल सकता है। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि लोग किस तरह से एस पास लेते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है। देखो अगर आप पार्ट टाइम करोगे वो करोगे, आप अपनी रियल लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मीन्स कुछ आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बना के अपना एक चैनल बना सकते हो। क्योंकि देखो पढ़ाई, अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हो 20, तो आपको लाइफ में कुछ ज़्यादा कहने का मतलब 15-20 साल तक आपको स्ट्रगल या लाइफ करना है, कुछ भी आपको करना है। कि ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेना है। तो अगर आप अपनी लाइफ को एक स्मूथ वे में कैसे, तो उसको ब्लॉगिंग में आप डाल सकते हो, तो आपका एक पैसिव इनकम वो भी होगा। तो आप पढ़ाई के साथ कमा भी सकते हो, अपना सेटलमेंट भी कर सकते हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। सो कैसी लगी मेरी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।